तो कानपुर के सार थाना क्षेत्र में ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से हुए हादसे में 27 लोगों की मौत हो चुकी है और घायलों का इलाज जारी है। वहीं कई शवों को पोस्टमार्टम के बाद गांव लाया गया और अब ड्योढ़ी घाट पर उनका अंतिम संस्कार किया जा रहा है। एक एक कर शवों का एम्बुलेंस की मदद से घाट ले जाया जा रहा है। मौके पर डीएम, मंडलायुक्त, आईजी और कई आला अधिकारी मौजूद हैं। कानपुर के साल थाना क्षेत्र के कोरथा गांव के पास एक सड़क हादसा हुआ था, जो कि बीती रात एक ट्राली से श्रद्धालु जो ट्राली में सवार थे, जो कि ट्राली पलटने से 26 श्रद्धालुओं की मौत हो गई थी। और वहीं आला अधिकारी मौके पर पहुंचे थे, जिनका जो पोस्टमार्टम था वो यहीं पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भीतर गांव में कराया गया था। उसके बाद आज सुबह जो शव थे वो गांव पहुंचे। हम आपको दिखाना चाहेंगे किस तरीके से जो गांव है, यहां पे चीख पुकार मची हुई है। एक ही गांव के 26 लोगों की सड़क हादसे में मौत हुई थी और यहां पे जो शव है उनको एम्बुलेंस के द्वारा अंतिम संस्कार के लिए कानपुर के ड्योढ़ी घाट भेजा जा रहा है, जहाँ पर एक से एक एम्बुलेंस में 2 से 3 शव भेजे जा रहे हैं। और गांव में यहां पे जो बात की जाए आला अधिकारियों की, तो जिला अधिकारी समेत मंडलायुक्त और आईजी समेत तमाम आला अधिकारी मौके पर मौजूद हैं और सांसद देवेंद्र सिंह भोले भी मौके पर पहुंचे हैं और जो पीड़ित परिजन हैं उनसे लगातार वार्ता कर रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं, उनको ढांढस बंधा रहे हैं। किस तरीके से आप देख पा रहे हैं ये जो माहौल इस समय गांव में चीख पुकार का मचा हुआ है। यहां पे जो शव हैं उनको ले जाया जा रहा है और इनका अंतिम संस्कार कराया जाएगा। जो पुलिस है, पुलिस की निगरानी बराबर बनी हुई है, पुलिस लगातार पीड़ित परिजनों के साथ है। और वहीं अगर जो अधिकारियों की बात की जाए, तो जो राहत की बात की जाए, जो सरकार के द्वारा राहत दिलाने की, वो अधिकारी लगातार पीड़ित परिजनों से संवाद करके राहत दिलाने की बात कर रहे हैं। और वहीं आप देख पा रहे हैं किस तरीके से गांव में जो यहां पे गम का माहौल है और लोग आसपास क्षेत्र के लोग भी गांव पे पहुंचे और पीड़ित परिजनों को ढांढस बंधाने का काम कर रहे हैं। घाटमपुर से जेएमडी न्यूज़ के लिए विवेक पाल की रिपोर्ट। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @jmdnews।